हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर। यह वीडियो स्पेशली जम्मू कश्मीर के कपल के लिए बना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जानकारी मिलने वाली है जम्मू कश्मीर में कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर है, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज आप किस तरीके से वहाँ पर ईजिली करा सकते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, कोर्ट मैरिज करने में कितना समय लगता है और कोर्ट मैरिज करने की कितनी फीस होती है। तो दोस्तों, अंत तक आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, आपको इस कम्प्लीटली वीडियो में सभी डिटेल्स पता चल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मैरिज की बात करें तो लड़कियों की 18 और लड़कों की जब अभी 21 साल ही है, यानी लड़कियों की एज को 18 से 21 साल नहीं किया गया। अरेंज मैरिज या लव मैरिज कैसी भी मैरिज करने की लड़कियों की जम्मू कश्मीर ही क्या ऑल ओवर इंडिया में 18 साल ही है। दोस्तों, अगर आप इंटर कास्ट हैं या इंटर रिलीजन कपल हैं तो आप अपना इजीली मैरिज करा सकते हैं। अगर आप दोनों इस एज को कंप्लीट कर चुके हैं, आप दोनों के पास एज और एड्रेस से रिलेटेड कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वह आपके एज प्रूफ के लिए काफ़ी होगा। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन पांच डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए सफिशेंट होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्ट मैरिज के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। कोई भी एज या एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड एक एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इंटरकास्ट है तो कोर्ट मैरिज के लिए दो विटनेसेस चाहिए होते हैं जिनके पास अपना कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ हो। इंटर रिलीजन है तो इंटर रिलीजन मैरिज में एज और एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मगर विटनेस दो की जगह तीन हो जाते हैं क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज जो होती है वह अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो एज पर लो तीन विटनेस की विटनेस ली जाती है। दोस्तों, अब समय की बात करें, अगर आप जम्मू कश्मीर में अपनी मैरिज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर डे वन अप्लाई होगा और 30 डेज बाद आपको कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा अगर आप कम्प्लीटली सिविल मैरिज कराते हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि घर पर नोटिस जाता है, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। जो कपल अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिकली मैरिज करना पॉसिबल नहीं होता है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली एग्री नहीं है या घर पर नोटिस जाएगा ही जाएगा आप तभी मैरिज करा सकते हैं। दोस्तों, यह प्रोसेस केवल जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। अगर आप दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपना मैरिज कराना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इजीली 1 डे 2 डेज में मैरिज हो जाती है विदाउट फैमिली कंसेंट, विदाउट नोटिस और विदाउट 30 डेज के लिए। बहुत ही इजीली प्रोसेस होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो आप दिल्ली NCR में अपना मैरिज नहीं करा सकते, या आपको यहाँ पर अपना मैरिज कराने के लिए यहाँ के लोकल आईडी एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रेजिडेंट हैं आप तब भी इजीली दिल्ली NCR में आकर के अपना मैरिज करा सकते हैं। यहाँ पर डे वन ही अगर दोनों हिंदू हैं तो आर्य समाज मंदिर में मैरिज परफॉर्म होती है, मुस्लिम है तो निकाह होता है, और डे टू ही उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से आपको लीगली मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप दोनों सेम डे से ही लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। मैरिज के ब्याह पर आप अपने स्टेट में जाकर पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर इंटर रिलीजन है तो इंटर रिलीजन में भी डे वन मैरिज होती है, डे टू इस मैरिज का अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। दोनों में से किसी का भी नाम चेंज नहीं होता है, जो मुस्लिम है उसका मुस्लिम नाम आएगा, जो हिंदू है उसका मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर हिंदू नाम ही आएगा। दूसरा, इंटर रिलीजन मैरिज में 3 विटनेसेस चाहिए होते हैं और कपल के आईडी एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, यहाँ अगर आप आकर के मैरिज करते हैं तो लोकल के आईडी एड्रेस प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने जम्मू एंड कश्मीर के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिहार पर इजीली मैरिज कर सकते हैं। यहाँ रेंट एग्रीमेंट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यही कारण है कि अदर स्टेट्स के लोग आकर के अपना दिल्ली में मैरिज कराते हैं क्योंकि यहाँ हैसल फ्री इजीली मैरिज हो जाता है विदाउट नोटिस के, विदाउट फैमिली के, और बहुत कम समय और बहुत कम फीस में हो जाता है। दूसरा दोस्तों, मैं साथ के साथ यह भी बताऊंगा, अगर आप जम्मू कश्मीर के कपल हैं अपना मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी एडवोकेट या एजेंट के माध्यम से आप अपना मैरिज कराना चाह रहे हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट देख लीजिएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट होता कैसा है। क्योंकि कई लोग नोटरी मैरिज करा देते हैं, नोटरी मैरिज के नाम पर 20,000 50,000 रुपये ले लेते हैं।
तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचें, या कई लोग लिव इन की एफिडेविट एग्रीमेंट MOU ने जाने क्या क्या मैरिज अनुबंध करा देते हैं, तो इससे ये कोर्ट मैरिज नहीं कहलाता है। इन चीज़ों से आप कभी भी नहीं लीगल हस्बैंड वाइफ होते हैं। अगर फैमिली आपके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करा देती है तो आपको निश्चित रूप से कानूनी रूप समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और इवन इतना भी हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े। तो पहले आप चीज़ों को जानें समझें, उसी के बाद डिसीजन लें। जल्दबाजी में इस तरीके की उल्टी सीधी एक्टिविटी न करें। कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कैसा होता है, कोर्ट मैरिज के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के हमने एक कपल का रिसेंटली मैरिज कराया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें भी आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी मैरिज की, और कपल का जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वह भी आपको मालूम होगा। दोस्तों, कोर्ट मैरिज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मंडे टू संडे यानी सातों दिन आप हमें सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच दिए गए हेल्प नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।